कंपनी सुजलॉन की बात करें तो इन्होंने 1008 स्टॉक लिए हुए हैं 18 रुपए के भाव पे, यहां पर भी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की हुई है। दोनों स्टॉक पर राय दें, सबसे पहले जरा बताएं क्या करना चाहिए सुजलॉन में। देखिए सुजलॉन में डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, ये 10-12 रुपए के आसपास चल रहा था, काफी दर्शक सवाल पूछ रहे थे तब मैंने इसके बारे में बताया था, तब भी थोड़ा सा इस स्टॉक के बारे में मजाक उड़ाया गया था। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, जब भी स्टॉक में वीकली मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो काफी अच्छा स्टॉक चलता है। तो अभी के लिए इनको मैं एक सलाह दूंगा कि देखो अभी ये स्टॉक थोड़ा फैंसी हो चुका है, आपको यहाँ पे ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 28.50 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे आप थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी को कम कर लो, 500 क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर लो और बाकी का जो क्वांटिटी उसको ट्रेलिंग करके 28.50 का स्टॉप लॉस। आरबीएनएल में अगर हम लोग बात करेंगे तो 160 एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा खराब होगा, तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी को बुक कर सकते हो। लेकिन अगर नीचे में अगर हम लोग आरबीएनएल का चार्ट देखेंगे तो एक गैप एरिया पेंडिंग है जिसको मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, 137 से लेके 138, मतलब जहां से गैप ने ब्रेकआउट दिया था वो अगर एरिया आता है तो वहां पे फिर से आपने जो क्वांटिटी एग्जिट की है यहाँ पे 160 के स्टॉप लॉस से, तो वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी फिर से आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो।